हिमाचल प्रदेश में बस हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताज़ा मामला जिला मंडी का है। जिला मंडी के पडोह डैम के समीप हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस पहाड़ी से टकराई, जिसमें समाचार लिखे जाने तक एक व्यक्ति की मौत तो वहीं 30 के करीब यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल तक पहुंचाने का कार्य जारी है। बहरहाल अभी तक बस हादसे का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता घायलों को बेहतर उपचार दिलवाने की है। वहीं जिला चंबा में भी एक हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस में अचानक आग लगने की खबर है। मामला चंबा के सलूनी का है, जहां पर सुंडला सलूनी मार्ग पर HRTC की बस में अचानक आग लग गई। आग लगने से बस पूरी तरह से राख हो गई। गनीमत रही कि आग लगते ही चालक ने बस किनारे में लगा दी, वो यात्री समय रहते बस से बाहर निकल गए। इस तरह की घटना से हिमाचल पथ परिवहन निगम को सबक लेना चाहिए। जिला सोलन में भी अक्सर हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसें ब्रेकडाउन हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं बसों की मेंटेनेंस पर सवालिया निशान पूरे हिमाचल में खड़े होते हैं। विभाग को चाहिए कि सवारियों की जिंदगी से खिलवाड़ न करते हुए बसों की मुरम्मत सही से करवाई जाए। पूरी गड्डी अग पी गई है। टोटल लॉस क्वाड थॉमस का ध्यान आवे उत्ते चम्मे पई है अजकल बैग नहीं का टैग रहे हैं। फोन किसके है?